इंडिया की 1.25 अरब आबादी ने पाकिस्तान का टमाटर बंद करके एक नीच हरकत की है। उनका यह ख्याल है कि पाकिस्तानी जो है टमाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन मैं ये तौबा का ये मकाम है कि इस वक्त जो है टमाटर बंद करके जिस तरह उन्होंने कहा है और ये हम टमाटर मोदी के राहुल के मुंह पर मारते हैं, तौबा ये इंडियन की गंदी और नीच हरकत की है। और जिस तरह इंडियन आज जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, जिस तरह मीडिया इंडिया का जल रहा है और इसी तरह उनके टमाटर भी जलेंगे। और मैं हिंदुस्तान के मीडिया को और हिंदुस्तान की 1.25 अरब आबादी को यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और ये एटम बम हमने ड्रॉइंग रूम में सजाने के लिए नहीं बनाए, ये एटम बम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए गए हैं। और तौबा अब वो वक्त आ गया है कि टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाएगा। और यह तौबा का मुकाम है। इंडिया ने यह समझ लिया है कि टमाटर बंद करके पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकते। जो दही है वो टमाटर का मुतबादल हल है और पाकिस्तान अगले साल खुद जो है भारत को टमाटर जो है एक्सपोर्ट करेगा। और इस हवाले से तमाम इंतजाम हुकूमत पंजाब ने कर लिए हैं। और ये पाकिस्तान जो है ये एक जिंदा कौम है, भारत को बता देना चाहते हैं, भारत के मीडिया को बता देना चाहते हैं, ये तौबा का मुकाम है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। हिंदुस्तान के मीडिया, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के शहरियों, डरो पाकिस्तान से, डरो पाकिस्तान से, डरो उस वक्त से जब पाकिस्तान के एटमी हथियार हरकत में आएंगे, जब पाकिस्तान के मिसाइल हरकत में आएंगे। और ये तौबा करो। और मैं हिंदुस्तान के मीडिया को कहूंगा कि वो भी तौबा करे। और इस वक्त जो है तौबा का मुकाम है और हिंदुस्तान की कौम पूरी खड़ी हो जाए। और जहां ये मेरी आवाज पहुंच रही है, हिंदुस्तानी हर पाकिस्तान का नाम लेकर एक दफा तौबा करे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।